अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का हमारे इलासा व्लॉग एंड कुकिंग रेसिपी में वेलकम है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ दही बड़े की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे हमने दो तरह की दाल ले ली है, उड़द दाल और मूंग दाल। हम घर में किसी भी बर्तन को एक सही मेजरमेंट मान लेंगे, उसी के हिसाब से दोनों दाल इक्वल इक्वल लेंगे। हमने यहाँ पे एक कप ले लिया है, उसी से 1.5 कप उड़द की दाल ली है और 1.5 कप मूंग की दाल ली है। अब दोनों दालों को हम अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि ये मार्केट में पॉलिश वाली भी अवेलेबल होती है, वो मिल जाती है। तो हमने दालों को 3 बार पानी से अच्छे से मलमल के धुल लिया है। अब इसमें हम पानी डाल के 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। हमारी दाल अच्छे से देखिए यहाँ पे फूल गई है, इसे 2-3 घंटे हो गए हैं रखे हुए। अब इसे हम ग्राइंडर में अच्छे से बारीक पीस लेंगे। अगर हमारी दाल एक बार में न पीसे तो हमें थोड़ा थोड़ा करके पीसना चाहिए। अब बचे हुए दाल को भी इसी में हम मिक्स करके पीस लेंगे। हमारी उड़द की सारी दाल पिसा गई है। अब इसे किसी बर्तन में हम पलट लेंगे, निकाल लेंगे। इसी बर्तन में हम मूंग के दाल को भी पीस लेंगे। हमारी मूंग की दाल भी ज़्यादा है, इसलिए हम 2 बार करके इसे भी पीसेंगे। इसे भी उड़द के साथ ही हम ऐड कर देंगे। बचे हुए मूंग दाल को भी उसे भी हम पीस लेंगे। अब हमारा सारा मूंग दाल इसी जार में आ गया है। हम थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे ताकि जल्दी पिसा जाए। हमारी सारी मूंग की दाल पिस गई है। अब बर्तन को अच्छे से साफ करके दोनों दाल को मिक्स करके अच्छे से हम फेंट लेंगे। आप चाहे तो इसे घटनी से भी फेंट सकती है, चाहे तो ब्लेंडर से भी, ब्लेंडर को भी यूज करके आप इसको फेंट सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाथ का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से फेंटा है। इसे एक ही साइड सर्कल में हमें घुमाते हुए फेंटना है। इस प्रोसेस को करने में हमें कम से कम 10-15 मिनट लग जाता है। देखिए हमारा दाल फेंटा गया है, ये हम पानी में डाल के चेक कर ले रहे हैं। अगर हमारा दाल ऊपर तैरता रहे तो समझे अच्छे से ये फेंटा गया है। अगर नीचे तली में बैठ जाता है तो हमें और फेंटे की ज़रूरत है। अब इसमें हम 2 पिंच के बराबर हींग डाल देंगे, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट,
चार पांच ग्रीन चिल्ली चॉप की हुई, थोड़ी सी 1 इंच के लगभग मैंने जिंजर को बारीक चॉप कर लिया था, हरी धनिया पत्ती को चॉप करके दाल में इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारी सारे सामान दाल में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल हम गरम होने देंगे, चेक कर लेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे, उसे हाई फ्लेम पे नहीं बनेगा, नहीं तो वो जल जाएगा। हमारा तेल गरम हो गया है, अब थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह बैटर हम तेल में डालते चले जाएंगे। हमारा पकौड़ा देखिए कैसे फूलता जा रहा है तेल में डालने के बाद। बैटर डालते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि पकौड़ा एक दूसरे से चिपके नहीं तेल में। हमें इसे ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। एक साइड पक जाने पे हम इसे दूसरे साइड पलट देंगे। ये देखिए हमारी पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरह करके हम सारे बड़े तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे सारे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं, कितने ढेर सारे बने हैं। अब इन पकौड़े को हम हल्का गुनगुना पानी गरम कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा हींग डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में। अब पकौड़े को इसमें डाल के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारा पानी हल्का गर्म होगा तो गैस ऑफ कर देंगे। जब तक हमारा उधर पकौड़ा इससे, तो इधर हम मसाला इसका रेडी कर ले रहे हैं। हमने थोड़ा सा काली मिर्च, ब्लैक पेपर, उसको रोस्ट कर लिया है। साथ में हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसी में ऐड कर दिया है जीरा, इसको भी हल्का रोस्ट कर लेंगे।
हमारा पकौड़ा भी हो गया। अब इसे पानी से हम निचोड़ के निकाल लेंगे। देखिए हमारा पकौड़ा कितना सॉफ्ट, रुई की तरह एकदम स्पंजी है। कितने ढेर सारे इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो गया। इसमें से पानी आप देख के पता लग रहा होगा आपको कि कितना स्पंजी है। सारे ब्रे को हम दही में रेडी नहीं करेंगे क्योंकि ये दही सारा सोख लेगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए जिसको जैसा खाना रहता है वैसे ही अपना थोड़ा सा निकाल के प्रिपेयर करके खाएंगे। इसको हम एयर टाइट डब्बे में बंद करके इसी तरह फ्रिज में रख देंगे। हम थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करके दिखा रहे हैं। बड़े हमने रख दिए। अब ऊपर से हमें जितना दही यूज करना है उतना डाल लेंगे। अब हम इमली की चटनी इस पर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा जीरा, रोस्टेड जीरा, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्चा डाल के हमारा रसीला खट्टा मीठा मज़ेदार दही बड़े रेडी हो गए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए।